हाय, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैं हूं अमिताभ फ्रॉम साधन, जहां पे हम करते हैं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई। बट फॉर अ चेंज, आज हम स्टॉक्स की बात ही नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पूरा साल खत्म हो गया और अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें तो निफ्टी हैज गिवन अराउंड 16% ऑफ रिटर्न, और अगर हम बॉटम की बात करें जो मार्च में हमने अचीव किया था, वहां से भी वो 8000 के लेवल से बढ़कर के 14000 के लेवल तक आ गई, यानी कि 75% का रिटर्न। अब दूसरी तरफ आपको ये भी पता होगा कि हमारी इकोनॉमी टेक्निकली एक रिसेशन में, हमारे पिछले दो क्वार्टर का ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में रहा है। अगर मैं क्वार्टर वन की बात करूं तो इंडिया की जीडीपी डीग्रो हुई बाय -23%, फिर सितंबर क्वार्टर में भी -7.5% का नेगेटिव ग्रोथ हमने रजिस्टर किया। अगर मैं FY21 की भी बात करूं तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो वर्ल्ड की सबसे रेनाउंड रेटिंग एजेंसी है, उसने भी इंडिया की जीडीपी डीग्रो करने की बात की है बाय -7.7%। यानी कि एक तरफ जहां इंडिया की जीडीपी घट रही है साल दर साल, वहीं इंडिया का स्टॉक मार्केट 8000 से बढ़ के 14000 तक पहुंच चुका है। अगर आप क्यूरियस हैं कि ऐसा क्यों है तो आप बिल्कुल सही जगह पे। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे दो प्रमुख कारण क्या है जिसके कारण इंडिया की स्टॉक मार्केट इतनी ऊंचाइयों को छू रही है इन स्पाइट ऑफ बीइंग आवर जीडीपी ऑन द लो टर्फ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट राइज क्यों करती है? सबसे पहला रीजन लोग बताते हैं वो है जीडीपी ग्रोथ का, जो हमने क्लियरली देख लिया कि जीडीपी ग्रोथ रेट के कारण इंडिया की सेंसेक्स तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जहां जीडीपी नीचे जा रही है वहीं सेंसेक्स नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो अब और कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण एक स्टॉक मार्केट 75% तक ग्रो कर सकता है एक साल के अंदर? और रीजन नंबर वन इज लिक्विडिटी। कोई भी मार्केट में उछाल तब आती है जब वहां बायर्स होते हैं, और बायर्स अपने साथ लाते हैं कैश फ्लो। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ 3 पार्टिसिपेंट है। वन इज FII, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तीसरा रिटेल पार्टिसिपेंट, यानी मैं, आप, और ये ज्यादातर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो इन तीनों से मिलके बना है मार्केट। अब इन तीनों में सबसे एक्टिव और सबसे पावरफुल फोर्स है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि उनके पास है सबसे ज्यादा पैसा। और इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको FII क्या कर रहे हैं इस पे आपकी नजर होनी जरूरी है, क्योंकि FII ही है जो मार्केट को डिसाइडिंग डायरेक्शन देते हैं और एक गाइडेंस देते हैं। तो चलिए देखते हैं पिछले एक साल में FII ने क्या किया। 2020 को अगर समराइज करना हो तो हम इसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसा समय जो कोरोना से पहले का समय, यानी जैन और फेब, इन दो महीने की बात करें तो FII ने 12000 करोड़ इन्वेस्ट किया था ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स। फिर आया कोविड का समय और वो था मार्च, जब FII ने रफली 58,000 करोड़ विड्रॉ कर लिया मार्केट्स और निफ्टी गिर गई 8,000 पॉइंट से नीचे। उसके बाद अगर FII के मनी फ्लो को आप ट्रैक करें, हर महीने उन्होंने 10,000 20,000 करोड़ ऐसे ऐसे इन्वेस्ट किए, और नवंबर 2020 में तो इन्होंने 60,000 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया इंडियन इक्विटी मार्केट में। और इसके कारण अभी जो ऊंचाई को सेंसेक्स छू रहा है उसमें प्राइम ड्राइवर FII ही है। पूरे साल भर में FII ने 1,60,000 करोड़, यानी 1,60,000 करोड़ का नेट इनफ्लो इंडियन स्टॉक मार्केट में, और वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पूरे साल में 47,000 करोड़ का कैश आउटफ्लो किया, यानी उतने पैसे उन्होंने मार्केट से निकाल लिए। तो जहां एक तरफ FII वर बाइंग, वहीं DII वर सेलिंग। तो इन दो फोर्सेस के कारण नेट नेट 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आया ड्यूरिंग द ईयर, और उसके कारण ही इंडिया के सेंसेक्स में रफली 16% का जंप हुआ ड्यूरिंग द ईयर। अब FII और DII की बात तो होगी, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है, और वो फैक्टर है रिटेल इन्वेस्टर। दोस्तों, अगर मैं 2020 के पहले की बात करूं तो रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नहीं रहा है। नेट नेट कुछ 2 से 3 करोड़ के लगभग डीमैट अकाउंट इंडिया में थे बिफोर 2020 स्टार्टेड, और अब पिछले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट ऐड हो गए हैं थ्रू जीरोधा एंड अपस्टॉक्स एंड डिफरेंट डिस्काउंट ब्रोकर्स। नए इन्वेस्टर, नए रिटेल इन्वेस्टर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उन लोगों ने
इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसके कारण ही बहुत सारा इनफ्लो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली आया। तो ये तीनों फैक्टर जोड़ करके इंडिया में लिक्विडिटी काफी रही, इसके कारण ही स्टॉक मार्केट में ये ग्रोथ देखने को मिला दोस्तों। लेकिन FII की स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे कि FII ने ये पैसा आउट ऑफ ब्लू इंडिया में क्यों इन्वेस्ट किया, तो मैं आपको बता दूं कि FII जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स को एनालाइज करके किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट ऑफ गवर्नेंस जो इंडिया में उन्हें दिख रहा है, एक डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम, यानी FD पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था वो डिक्रीजिंग है, और ये अगर FD सेविंग रेट किसी कंट्री का डिक्रीजिंग हो तो वहां पे स्टॉक मार्केट नेचुरली अच्छा करता है, इसीलिए FII वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और ऐसे ही एक रिजीम इंटरेस्ट रेट रिजीम में है इंडिया फिलहाल। इन दो फैक्टर्स के अलावा तीसरा फैक्टर एक स्टेबल करेंसी का होता है। इंडिया की करेंसी यानी INR इंडियन नेशनल रुपीज काफी स्टेबल है अगर दूसरी इमर्जिंग मार्केट करेंसी से कंपेयर करूं। इन तीन मूलभूत कारणों के कारण इंडिया एक अट्रैक्टिव FII डेस्टिनेशन है। ये बात तो चलो हमने मान लिया कि इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, बट FII के पास इतना पैसा कहां से आता है? आपके सामने मैंने US फेड रिजर्व की बैलेंस शीट दिखलाई है, तो पिछले एक साल में कोविड से फाइट करने के लिए US फेड रिजर्व जो वहां का RBI होता है उसने रफली $4 बिलियन प्रिंट किए। यानी अगर इकोनॉमी में डॉलर प्रिंटिंग होने लगेगी तो सबके पास पैसा पहुंच जाता है, जो भी US नेशनल है उसके पास पैसा घूम करके पहुंच जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने उतने नोट प्रिंट किए हैं। तो जब FII इन्वेस्टर के पास पैसे आते हैं लार्जली जो US बेस्ड हैं, तो वो इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मानते हैं। इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने में कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का भी रोल है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक गुड न्यूज ये है कि MSCI यानी मॉर्गन स्टैनले US की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में इसका नाम आता है, उन लोगों ने अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेट 8.1% से बढ़ा के 8.8% कर दिया। अब मार्जिनल 1% के करीब उन्होंने वेट बढ़ाया, लेकिन ये 1% वेट बढ़ाने के कारण इंडिया में रफली 15,000 करोड़ ऑफ FII इनफ्लो आने की उम्मीद बनी। तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण 15,000 करोड़ का FII इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी मार्केट में आया। इस एनालिसिस को अगर मैं समराइज करूं तो US में एक भारी मात्रा में डॉलर प्रिंटिंग करने के कारण लिक्विडिटी काफी हो गई वहां के इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने, तो इंडिया की तरफ पॉइंट आउट किया जो कि FIIs की क्राइटेरिया में बिल्कुल सही बैठ रहा था, और इसके कारण FIIs ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया और नेट नेट इसी रीजन से इंडिया का स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। एक दूसरा रीजन भी है इंडिया की मार्केट ग्रो करने का, और वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लो है तो वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, और इसीलिए RBI हर एक महीने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जानने के लिए सर्वे करती है। इसमें वो 13 शहरों में लगभग 5,000 हाउसहोल्ड से सर्वे लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका इकोनॉमी पे क्या आउटलुक है, एम्प्लॉयमेंट के क्या प्रॉस्पेक्ट आपको लग रहे हैं, और ऐसे ही कुछ सवाल वो पूछते हैं। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे वो रिपोर्ट करते हैं। मैं आपके सामने पिछले नवंबर में इस सर्वे का जो रिजल्ट है वो आपको दिखला रहा हूं। जो ऑरेंज कलर में जो लाइन है वो करंट सिचुएशन को डिनोट करता है। अभी बेस लाइन से वो -50% की तरफ दिख रहा है, यानी कि बेस लाइन 100 की है तो वहां पे अभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है आज के मार्केट में आज की कंडीशन के बारे में नेगेटिव है। यानी 50% लोग नेगेटिवली व्यू कर रहे हैं कि करंट इकोनॉमी कंडीशन जो इंक्लूड करती है एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई और ये सब चीजों को, वो नेगेटिव लग रहा है उन्हें। लेकिन मैं आपका ध्यान ब्लू कलर की लाइन की तरफ लाना चाहता हूँ। ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, यानी कि अभी से एक साल बाद आपका जो व्यू है वो ब्लू कलर से दिख रहा है, और वो नंबर है 115.9। यानी नवंबर और अक्टूबर में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर हैज गॉन अप, यानी कि जो लोग, जो 5,000 लोगों ने सर्वे किया उनका आउटलुक फॉर नेक्स्ट ईयर इज ब्राइट। अगर वो आउटलुक ब्राइट हो तो वो जनता बाहर जाकर शॉपिंग करेगी, स्पेंड करेगी, और उसके बाद इकोनॉमी में चर्न आउट होगा और इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है बिफोर समबडी इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। तो दूसरा रीजन दोस्तों ये क्लियरली आपके सामने है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है अभी इंडियन मार्केट में, इसके कारण भी रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो FII एंड DII तो लिक्विडिटी फ्लो के कारण
इंडियन मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, वही रिटेल पार्टिसिपेंट जो है वो एक इकोनॉमिक आउटपुट अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड, और उसके कारण स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके कारण ही आप देख पा रहे हैं कि इवन दो जीडीपी डीग्रो कर रहे हैं बट स्टॉक मार्केट इतनी ऊंचाइयों पे है। तो साधन ने होपफुली जीडीपी, एफआईआई, डीआईआई और स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एफआईआई पे डिटेल में जानना है तो हमने एक वीडियो कुछ महीने पहले बनाया था, वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर के इंडिया की एफआईआई डीआईआई का डेटा देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, तो आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है और इसको आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर करूंगा, सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है।